ये जो है वो आपका हॉस्पिटल से आने से पहले इसमें आपकी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं हुई है, आपने सिर्फ जो है वो उसको दूर लेकर गए हो, ठीक है। ऑक्सीजन अगर आपके होती है एम्बुलेंसेज वगैरह में, या रेस्क्यू 1122 जो हमारी है उसके पास है, उसने ऑक्सीजन उसको लगाई है, सेटअप बिठाया है, और बाकी उसकी फ्रैक्चर्स वगैरह और अदर इंजरीज के लिए उसको चेक किया, ठीक है, और अपनी सेफ्टी इंश्योर की है। तो अगर आपने कभी देखा हो कि रेस्क्यू जब हो रहा होता है, तो रेस्क्यूअर ने सबसे पहले तो अपने कपड़े पहने हुए होते हैं, अपना मास्क उसने पहना होता है, फिर वो जाता है, फिर बिल्डिंग को देखता है कि जो है ना ये गिरने वाली तो नहीं है, या आग उस तक तो नहीं पहुंच रही, फिर जो है वो रेस्क्यू करना स्टार्ट करता है। और कैसे रेस्क्यू कर रहा होता है, अगर आपका कोई ड्रामा वगैरह मूवी वगैरह में देखा होगा। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आपका वही चीज़ है जो आपने ATLS में की थी, एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन, बी से ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, सी फॉर सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल, डी फॉर डिसेबिलिटी एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ई फॉर एक्सपोजर एंड एनवायरमेंट, एंड एफ फॉर फ्लूइड रेसुसिटेशन। इसमें जो है वो आपके बर्न्स जो होते हैं, इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक, हमने जो पढ़ा था सुबह, हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सर्कुलेशन को मेंटेन करना और फ्लूइड रेसुसिटेशन, इसमें एफ जो है इन्होंने अलग से इसलिए डाला है, वरना तो फ्लूइड रेसुसिटेशन भी आपकी सर्कुलेशन में ही आती है। तो इसमें जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, हाइपोवोलीमिया हो जाता है, इसमें फ्लूइड का लॉस होता है, जो बर्न सरफेस होती है ना वहाँ की परमीएबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उधर से जो है वो फ्लूइड का जो है वो बॉडी के अंदर से लॉस हो रहा होता है। दूसरा, पेशेंट की जो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी है या उसका प्रोग्नोसिस है, वो जितना उसका बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो रहा है ना, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न के अंदर कितना इन्वॉल्व हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ क्रूड मेथड है, जिसमें वॉलेस रूल ऑफ 9 है, वो भी हम देखते हैं, और उसके अलावा कुछ हमने चार्ट्स वगैरह डेवलप किए हुए हैं, उन चार्ट्स के ऊपर हम बर्न को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये किस तरह हो रहा है। उसके अलावा एक मेथड ये है कि आप जो है पेशेंट का, उसका जो हैंड है ना वो उसका 1% है, पाम और हैंड 1%, उसके उतना 1% ऑफ बॉडी का जो है वो आप पेपर कट कर लेते हो, उस पेपर के थ्रू जो है ना फिर बाकी बर्न जो है वो मेजर कर लेते हो कि कितने परसेंट बन रहा है। तो ये दो तीन मेथड्स हैं, इसमें से आपको जो आएगा एग्जाम्स में वो वॉलेस रूल ऑफ 9 है, वो अभी हम देखते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट कितना करेगा। अच्छा, अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या अराइज हो सकती हैं जिनको आपने साथ साथ ही चेक करना है? इनहेलेशनल इंजरी मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, न्यूमोनाइटिस हो सकता है, उसकी बर्न्स जो है वो, उसके अलावा जो है एयरवे के अलावा जो है उसका फूड पैसेज है उसके अंदर भी हो सकती है, गट में भी हो निरंजन सकती डीमा है, भी तो हो सकता है। लेरिंजियल एडिमा की वजह से भी एयरवे ब्लॉकेज हो सकती है। इसके अलावा सर्कमफेरेंशियल बर्न्स, इसमें ना एक कह लो कि आपका जो स्किन है वो एक इलास्टिक है, ठीक है, उसमें आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट्स भी जब हो रही होती हैं तो चेस्ट जो है वो अप एंड डाउन जा रही होती है, इसी तरह जो वेसल्स गुजर रही हैं उनके ऊपर भी कंप्रेशन कॉज नहीं कर रही है आपकी स्किन, लेकिन जब ये जल जाएगी ना तो ये एक थिक स्कार टाइप जो है वो बन जाएगा, फाइब्रोटिक टिश्यू सा, फाइब्रस टिश्यू सा बन जाएगा, जो कंप्रेस करना शुरू कर देगा, ये वेसल्स को भी कंप्रेस करेगा और चेस्ट कैविटी जो है उसको भी फिर कंप्रेस करेगा। तो उसके लिए हम अभी आगे प्रोसीजर पढ़ेंगे, स्क्लेरोटमी, तो वो हो सकता है कि अगर आपकी 360 डिग्री बर्न हुआ है पूरे सर्कमफेरेंशली आर्म के ऊपर या लेग्स के ऊपर, तो वहाँ पे एज अ टॉर्निकी जिस तरह एक्ट करता है ना, तो वो टॉर्निकी के तौर पर एक्ट करेगा और आपकी जो वास्कुलर सप्लाई है उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो उसके लिए हम एस्क्रोटमी का प्रोसीजर करते हैं, उसके अंदर हम कट लगा देते हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट, कि उसमें कट लगा देने आपने, एस्क्रोटमी कर देनी आपने। बाकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ बर्न हमने देखा कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, फुल थिकनेस बर्न है कि नहीं, यानी डेप्थ ऑफ बर्न आपने देखनी है, उसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन है अभी अभी हम देखेंगे, और इनहेलेशनल इंजरी हुई है या नहीं, ये आपके डिपेंड, इन चीज तीनों पे डिपेंड करेगा कि प्रोग्नोसिस क्या है, मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी कितनी है बर्न के बाद, ट्रीटमेंट के बाद। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू बर्न यूनिट ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन एक दफ़ा आप रीड कर लेना, इनहेलेशनल इंजरी है तो आपने करना है, फ्लूइड रेसुसिटेशन के लिए आपने एडमिट करना है, सर्जरी अगर आप जिस तरह स्क्लेरोटमी मैंने बताई है वो करना चाह रहे हो तो तब आपने एडमिट करना है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी होती है इनकी, अगर बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है तो रिकंस्ट्रक्टिव
रिकंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी, या फेस वगैरह पे कॉस्मेटिक इश्यूज की वजह से आपको करनी पड़ेगी, तो वो आप उनको एडमिट करोगे, ठीक है। अगर नॉन एक्सीडेंटल इंजरी है, नॉन एक्सीडेंटल इंजरी का मतलब अगर आपको लगता है कि मेडिको लीगल केस है, तो तब भी आप उसको एडमिट रखोगे, उसकी पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी, और फर्दर जो प्रोसीजर होगा उसका लॉ इन्फोर्समेंट के साथ वो भी, तो उसको आपने लाजमी जो है वो कर लेना। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत एजड लोग हैं, उनको भी आपने एडमिट कर लेना। एंड फाइनली जो है वो, अगर आप देखते हो कि नॉन थर्मल बर्न जी है, ठीक है, नॉन थर्मल बर्न है, उसमें इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकते हैं, केमिकल बर्न हो सकते हैं, कोल्ड भी बर्न होते हैं एक तरह एक, तो वो जो है अगर हैं तो फिर भी आपने एडमिट कर लेना है, क्योंकि उसमें ये होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो इतनी एमरजेंसी नहीं होती, उसके बाद जो है वो एरिथमियाज और वो टाइप के जो है वो प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो उसके लिए आपने उनको करना है। एयरवे को कैसे मेंटेन करना है ये आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप उसको 24 से 48 आवर्स तक एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन उसकी नहीं करते, सॉरी अगर आप उसकी एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसकी इंट्यूबेशन नहीं करते, तो क्या होगा, लेरिंजियल एडिमा डेवलप हो जाएगा और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, फिर आप उसकी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं कर सकते, आपको क्रिकोथायरोटमी या ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ेगी उसकी। इसलिए फ़ौरन जो भी पेशेंट आएगा बर्न का, आपने उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल देनी है, ठीक है, विद इन 4 आवर्स बेस्ट है, उसके बाद एडिमा डेवलप होना शुरू हो जाएगा और एडिमा सबसाइड होगा 48 आवर्स तक, तो 48 आवर्स तक जो है वो कोई भी पेशेंट बगैर ऑक्लूडेड एयरवे के साथ जो है वो रह नहीं सकता, आप ये मसला है आपके साथ। उसके अलावा हाँ बस, अब एयरवे में आपने यही करना है, ब्रीदिंग में भी आपने क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको ऑक्सीजन दे सकते हो, पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन दे सकते हो, खासतौर पर अगर मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन पॉइजनिंग है, तो आप उसको 100% ऑक्सीजन देते हो, ताकि उसकी हीमोग्लोबिन से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्प्लेस हो जाए और ऑक्सीजन अटैच हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है। ब्रीदिंग में यही लिखा हुआ है, आपको इसको कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन ये जो मैंने आपको बताया ये आपने देना। अच्छा, एयरवे ब्रीदिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, फ्लूइड रेसुसिटेशन हो गई आपकी, और आपने फिर जो है वो प्रोग्नोसिस के लिए क्या करना है, ये तो ये भी दूसरा चार्ट है, अभी यहीं पे देख लेते हैं फिर रह ना जाए। मैं आपने अच्छा ये जो है वो देखो, फेस हेड एंड नेक जो है ना, इसका कितने परसेंट है, 9%, ठीक है, अपर लिम्ब भी 9% ईच, लोअर लिम्ब भी 9% ईच, पेरिनियल एरिया 1%, चेस्ट का फ्रंट भी 9% है, चेस्ट का बैक भी 9% है, एब्डोमिन का फ्रंट भी मतलब एब्डोमिनल रीजन भी, और अगर बैक हम देखेंगे एब्डोमिन का तो वो अलग से 9% है, ठीक है, तो कितने 9% हो गए, हेड एंड नेक 1, अपर लिम्ब 1, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब जो है 2 हो गए और लोअर लिम्ब 2 हो गए, 5 ही हो गए, चेस्ट का फ्रंट एब्डोमिन का फ्रंट 7, चेस्ट का बैक एब्डोमिन का बैक 9, और 1% रह गया, मतलब 9 को आप 1% रह गया आपका, ठीक है, उसको जो है वो आपने देखते हैं आपको पूरा हो जाएगा 9। हाँ, इसमें इस तरह आया होता है क्वेश्चन कि उसने बताया होता है आपका हाफ लिम इन्वॉल्व है, हाफ लिम कितने परसेंट बनेगा, दैट में मुझे आंसर करो, अगर राइट लिम का, राइट अपर लिम का हाफ बर्न हुआ है, ओके, मैं अब एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपने गौर से सुनना है और मुझे कैलकुलेशन करके देनी है आपने, ठीक है, इसके लोअर लिम्स का टोटल 5%,
ठीक है, लोअर लिम के 18% में से 5% उसका इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फ्रंट ऑफ चेस्ट हाफ इन्वॉल्व हुई है, फ्रंट ऑफ चेस्ट हाफ वन के अंदर इन्वॉल्व है, और एक पूरा अपर लिम इन्वॉल्व होगा। मैंने भेज भी दिया, उसको देख लो आप और आंसर करो जल्दी से, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत क्वेश्चन आएंगे। वेटिंग आपके आंसर का चैट में। फाइव परसेंट ऑफ बोथ लोअर लिम्ब है कि एक लोअर लिम्ब है? एक लोअर लिम्ब, मुश्किल तो नहीं है। अपर लिम कितना होता है, अपर लिम कितना बनेगा? 9 बनेगा, हाफ ऑफ फ्रंट चेस्ट कितना बनेगा, 4.5 बनेगा। और 5% उसने खुद बताया हुआ, उसमें तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 18.4 कहाँ से है, 0.5 हो जाएगा ना। अच्छा चलो ठीक है, तो ये आपने इसका कैलकुलेट करना है, उन्होंने थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके दिया होगा। बाकी अदर चार्ट्स हैं इनके, आपने जो है वो द लुंड्स एंड ब्रोडे चार्ट है, या जो है वो नाम याद करना है सिर्फ इसका, ये ऑस्ट्री में पड़ा होता है कभी कभी। डेप्थ आपको हिस्ट्री से पता लग जाएगी, उसके अलावा जो है वो हिस्ट्री से कैसे पता लगेगी, जितनी ज़्यादा गर्म चीज़ होगी, जितने ज़्यादा देर तक कॉन्टेक्ट रहा होगा उससे, उतनी ज़्यादा डेप्थ होगी, ठीक है। डेप्थ की बेसिस पे हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में कितनी वो होती हैं, लेयर्स होती हैं ऊपर, क्या होता है सबसे ऊपर स्किन में? माइक ओपन करके आप साथ अगर रहोगे तो फिर, वरना नींद आती रहेगी। चलो खैर, एपिडर्मिस है, डर्मस है, और नीचे जो है वो पे सुपरफिशियल फेशी और मसल्स वगैरह तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर डर्मस सॉरी एपिडर्मस इन्वॉल्व है सिर्फ, तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है। अगर डर्मस का थोड़ा पार्ट इन्वॉल्व है, पूरी डर्मस इन्वॉल्व नहीं है, तो डीप पार्शियल थिकनेस है। और अगर पूरी की पूरी डर्मस भी इन्वॉल्व हुई हुई है और नीचे तक जा रहा है, तो वो फुल थिकनेस बन रहा है, ठीक है। फ्लूइडिसिटेशन आपने करनी है कैसे, ये ऑस्मी में पिक्चर्स आती हैं आपकी। जब भी टोटल सरफेस एरिया जो है, जो इन्वॉल्व हो गया बर्न सरफेस एरिया, उसमें जो है 10% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिस तरह अभी हमने कैलकुलेशन की उसका 18.5 आ रहा था, तो ये इसीलिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमने मैनेजमेंट किस तरह करनी है। तो अगर 10% से ज़्यादा है, तो आपने जो है वो उसको फिर फ्लूइडिसिटेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कुछ जगह 30% कहते हैं, कुछ जगह 10%, लेकिन आप 10% याद रख लो, एक ही याद रखो, 10% जो है वो आपने इन्वॉल्व करना है। दूसरा, आपको पता लग जाएगा कि हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ होगा, तो फिर वो शॉक की स्टेट में होगा पेशेंट, ठीक है। शॉक की स्टेट हमने पढ़ चुकी है, जिस तरह हाइपोवोलेमिक शॉक होता है बर्न्स में, तो वो आपने कर लेना है। बाकी क्रिस्टलॉइड्स कोलाइड्स वो उसी तरह है जिस तरह हमने सुबह पढ़ा है, और ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये पार्कलैंड फार्मूला है ये। इसमें आपने कैसे फ्लूइड रेसिस्ट्रेशन करनी है, कितना बॉडी सर्फ ये आया हुआ है बहुत दफ़ा उसमें, कितना बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्व है, पेशेंट का वेट, और उसको आपने 4 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है। टोटल सर्फेस एरिया इन्वॉल्व, पेशेंट्स वेट, एंड 4 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास मिलीलीटर्स में वॉल्यूम आ जाएगा, इसको आपने फर्स्ट 3 उसमें डिवाइड कर लेना है। पहले वन पार्ट जो है वो पहले 8 आवर्स में लगेगा, और 2 पार्ट जो हैं वो अगले 16 आवर्स में लगेंगे।
कोलाइड और क्रिस्टलाइट का हम डिफरेंस सुबह पढ़ा था हमने, कोई इनका कोई खास आउटकम पे जो है वो इतना बेनिफिट या रिस्क कोई नहीं है, बस इनका एक्सपेंसिव होते हैं कोलाइड्स और इस तरह, दूसरा इसमें कोई इतना खास नहीं है। ये बार्कलेस फार्मूला लिखा हुआ है, कभी आया नहीं है, पार्कलैंड ही आया हुआ था, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर लो। हाफ इंटू मल्टीप्लाइड बाय इंटू परसेंटेज ऑफ बॉडी सर्फेस एरिया बाय और वेट, ये वन पोर्शन आपका निकालेगा। पहले हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम बार्कले फार्मूला में कोलाइड क्योंकि यूज कर रहे हैं तो कोलाइड के लिए, या अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है क्रिस्टलाइड लगा रहे हो आप या कोलाइड लगा रहे हो, तो अगर क्रिस्टलाइड लगा के उसका मिलीलीटर्स पूछे आपसे तो आपने पार्कलैंड यूज करना है, और अगर कोलाइड कितना लगेगा वो पूछे तो आपने ये यूज करना है। इसमें फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें फोर से मल्टीपल है, इसमें जो है वो हाँ 0.5 आपका मल्टीपल है। मॉनिटरिंग आपने उसी तरह करनी है जिस तरह आप शॉक की मॉनिटरिंग कर रहे थे, ठीक है, कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, ट्रांजिएंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है या बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उसके अलावा जो है लैक्टेट लेवल्स आप देख सकते हो, ABGs आप देख सकते हो कि उसमें क्या ऑक्सीजन सेचुरेशन है किस तरह है, ठीक है, और टिश्यू परफ्यूजन के लिए आप टेस्टिंग कर सकते हो जो आप सुबह में शॉक में पड़ी है, कैपिलरी फिलिंग प्रेशर है, सेंट्रल वीनस मिक्स्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन है, मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन है, और डॉपलर है गट के लिए, ब्रेन के लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मसल्स के लिए भी सेम। इस तरह जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो मॉनिटरिंग ऑफ रिससिटेशन, क्योंकि इसमें भी वही रिससिटेशन है जो आपकी शॉक की रिससिटेशन होती है, तो मॉनिटरिंग भी इसकी वही होगी, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ आपने याद करनी है प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वही है ABCDEF। सर्जरी, सर्जरी आप हमने बताया था एस्क्रोटमी करेंगे, एस्क्रोटमी कब करेंगे, जब चेस्ट बर्न्स होंगे या फिर सर्कमफरेंशियल बर्न्स होंगे लिम्स पे। चेस्ट बर्न्स में जो है वो ब्रीदिंग कम्प्रोमाइज होगी, अप डाउन नहीं हो सकती आपकी चेस्ट, जबकि सर्कमफरेंशियल बर्न्स ऑफ लिम्स में आपकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। करते क्या है इसमें, सिंपली आपने जो है वो होल लेंथ जो भी है बर्न की उसमें आपने कट्स लगा देने हैं, वो थोड़ा बहुत है उसको, और खास तौर पे किन बर्न्स में होगा, फुल थिकनेस बर्न जिनके अंदर डर्मिस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसकी एक टेबल है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की दी गई है, अपर लिम पे ये देखो कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है, मिड एक्सियल अपर लिम पे। हाँ अच्छा, इसमें इनने बताया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ कट्स लगाओगे, तो कट्स आप जो है जहाँ पे लगाओगे वहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल नहीं होना चाहिए, तो अगर अपर लिम पे आप करना चाहते हो तो आप एल्बो के एंटीरियर, ठीक है, मीडियली टू अंडर करोगे, मिड एक्सियल कर सकते हो, हैंड पे कर सकते हो, लोअर लिम, चेस्ट। जनरल रूल्स क्या है, एक्सटेंड द वाउंड बियॉन्ड द डीप डायथर्मी, जो ब्लीडिंग होगी उसको आपने कॉटरी से जो है वो डायथर्मी से जो है वो रेस्ट कर देना है, हीमोस्टेसिस कर देना है, बस इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको पता हो कि हैंड पे, लोअर लिम पे, अपर लिम पे, चेस्ट पे, ये आपके यहाँ यहाँ पे आपके एस्क्रोस्टमी एस्क्रोटमी आप कर सकते हो। ये एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आपने हर पेशेंट को जो है वो करना है, तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो से आपने एक दो नाम याद करने हैं, सल्फासेलाजीन आप याद, सल्फाडायजीन आप याद कर लो, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सुने ही भी होंगे ये, सिल्वर नाइट्रेट आपने, तो बस दो तीन याद कर लो तो इसमें आपका काम हो जाएगा। तो इनसे जो है वो आपने एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी आपने लगानी है ताकि कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। जब बर्न्स होते हैं ना तो बॉडी के अंदर जो है बर्न वाली एरिया में भी और पूरी बॉडी में भी इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो डिप्रेस हुआ हुआ होता है, तो इनमें बर्न के पेशेंट्स में चांसेस ज्यादा होते हैं इन्फेक्शन के। ड्रेसिंग विद नॉन क्रिस्टलाइन सिल्वर, ये ड्रेसिंग्स आएंगी आपकी जो एंटीबायोटिक होंगी, एंटी बायोटिक उनके अंदर ही होगा, ठीक है, तो उसमें सल्फाडायज़ीन है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये आपने यूज कर सकते हो।
डिफरेंट आपको नेम्स दिए हैं, नेम्स करने हैं आपने सिर्फ। अच्छा, अब आपने ए बी सी डी ई कर ली थी, आपने अगर कोई एस्करोटमी करनी थी तो वो कर ली, आपने एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दे दी, पेन जो है उसका ड्रेसिंग कर दी और पेन को आपने रिलीव कर दिया, ठीक है। पेन के लिए वही जो हमने स्टेप लेटर पैटर्न पढ़े थे वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा कूलिंग मैंने आपको बताया अभी कि कूलिंग का एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा टॉपिकल एनेस्थेटिक्स भी आप यूज कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा पेन है, ठीक है। बाकी जो हमने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, अगर बहुत ज्यादा बर्न है, फुल थिकनेस बर्न है और बहुत ज्यादा सर्फेस एरिया को इन्वॉल्व करें, तो आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या इस तरह क्या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया भी इवन आप जो है वो यूज कर सकते हो। तो हमने एमरजेंसी में पढ़ा था कि एमरजेंसी में कौन सा एनेस्थीसिया यूज होता है, फील्ड एनेस्थीसिया जिसको हमने कहा था। नो वन लिखा भी हुआ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्वायर एनेस्थीसिया। कैटामीन जो है वो आपका यूज होता है, ठीक है, जो हेलोसिनोजेनिक भी था, आपका फील्ड एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज हो रहा था, एक्सीलेंट एनेस्थीसिया। तो ये चीजें आप बार बार रिवाइज कर लो, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको फिर जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तो भूल जाएगा ये। बाकी उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आपने करनी है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप अगर उसको ओरली दे सके तो ठीक है, वरना टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन करनी है आपने, वो भी हम देखते हैं। नर्सिंग केयर उसकी अच्छी करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन करना है। मॉनिटरिंग कैसे होती है इन्फेक्शन की, जब भी इन्फेक्शन होगा फीवर होना शुरू हो जाएगा, उसको टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएगा, साइट ऑफ बर्न है उसके ऊपर जो है वो आपको सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, उसके साइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे इन्फेक्शन के। उसके अलावा आप जो है वो रिपीटेडली कल्चर कर सकते हो, आप जो है वो सुबह शाम उसका जो बर्न वोन है उसके ऊपर उसका कल्चर करते रहोगे, ठीक है। कल्चर जब पॉजिटिव आएगा आपको पता लग जाएगा कि कोई ना कोई इसमें जो है वो प्रॉब्लम है, इसमें आपने यही करना है। बाकी नर्सिंग केयर चलेगी, फिजियोथेरेपी चलेगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चलेगी अगर मेजर बर्न है। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स पढ़े हैं, जब से बर्न हुआ है प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कोई रिवाइज करेगा मेरे साथ? प्री हॉस्पिटल के बाद एबीसी। प्री हॉस्पिटल में क्या क्या है? पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद उसको जो सोर्स ऑफ फायर से दूर लेके जाना है। कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो 10 मिनट्स के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो करना है, ऑक्सीजन देनी है और एलिवेट कर देना है फॉर बेटर पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है। और कुछ अदर इंजरीज के लिए भी चेक करेंगे उसे, ठीक है। बर्न्स के अलावा भी उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपने चेक करनी है, ठीक है। फिर हॉस्पिटल आगे ए बी सी डी ई एफ आपने कर लिया, एक दफा बता दो इन सबको कि ए बी सी डी ई एफ से क्या बनता है। एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डी फॉर डिसेबिलिटी कोई, ई फॉर एक्सपोजर करके कि कहाँ कहाँ बर्न हुआ है, एफ से फ्लड रेसिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कर लिया आपने रेसिटेट, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न करना था, एंटीबायोटिक लगानी है, अगर डीप डर्मल बर्न्स है तो एस्करेक्टमी करनी है, उसके बाद अगर पेन हो रही है तो सुपरफिशियल बर्न्स में एनसेड पैरासिटामोल देनी है, लार्ज बर्न्स पे आईवी मॉर्फिन देनी है, उसके बाद एनजी ट्यूब से फीडिंग स्टार्ट कर देनी है अगर वो ओरल फीड नहीं ले सकता तो, ठीक है। और ये बाकी छोटे छोटे स्टेप्स हैं अभी, इन्फेक्शन कंट्रोल, मॉनिटरिंग, एंटीबायोटिक्स, नर्सिंग केयर, फिजियोथेरेपी, आप लिखोगे तो अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। फिजियोथेरेपी एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करने हैं, हेडिंग्स ही आपने सिर्फ इसमें करनी है, कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। जो याद रखने वाली चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी सर्जरी फॉर एक्यूट बर्न वॉन्ड, ये भी आपको कोई इतना वो नहीं है, उस टाइम पे आपने कर लिया, उसके बाद आपने उसकी रिकंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए आप स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हो, शेविंग करके
बाकी अगर फुल थिकनेस बर्न है, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं और ये वो इस तरह की चीज़ें हैं, वो फ्लैप्स आप उसमें यूज़ कर सकते हो। हम कल जो है वो सुबह देखेंगे कि क्या होता है। वो प्लास्टिक सर्जरी का आपका है, डिफरेंट उसकी जो है वो टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसमें से आपकी बर्न की बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट आती है और स्क्लेरोटमी जो है वो बार बार पूछा जाता है। तो फुल थिकनेस बर्न्स जो होते हैं या डर्मल डीप बर्न्स होंगे उसमें आपने करनी है, और न्यूरोवैस्कुलर बंडल को जो है वो आपने अवॉइड करना है जब भी आप कट्स लगा रहे हैं, बस उतना और कुछ नहीं। बाकी साइड्स आप देख लो, अपर लिम में हो सकती है और चेस्ट पे हो सकता है। चलो हम लोग इसको भी कर ही लेते हैं साथ, वरना आप बर्न्स के साथ ही है। ऐसे आपने क्या करना है, ग्राफ्ट ग्राफ्ट और फ्लैप में क्या फर्क है पहले तो ये बताओ। पढ़ा हुआ स्लैप में ना ब्लड सप्लाई भी थी साथ, ग्राफ्ट में यू रिमूव द स्किन विदाउट ब्लड सप्लाई। है, ठीक है। जो आपका ग्राफ्ट होगा उसके अंदर जो है ब्लड सप्लाई के साथ रिमूव नहीं होगा, फ्लैप विल बी रिमूव्ड विद ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो ग्राफ्ट जो होगा आपका उसकी कितनी टाइप्स हैं? ये सामने लिखी है, स्प्लिट थिकनेस है और दूसरा किधर क्या है, फुल थिकनेस है। ये अच्छा, ये वाली देखो, ये बहुत अच्छी डायग्राम है, स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फुल थिकनेस ग्राफ्ट है, ठीक है। और अगर आप ब्लड सप्लाई को भी साथ ले रहे हो, यानी ब्लड सप्लाई आपकी किस में होती है, आपकी डर्मस में तो इतनी नहीं होती, डर्मस के अंदर होती है, अगर आप उसको भी साथ ले रहे हो तो दैट विल बी फ्लैप। इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी जो है वो बुक में जो है वो सी लिखी हुई है, मैं आपको एक और बताता हूँ। अच्छा, फ्लैप विल बी ट्रांसफर्ड विद ब्लड वेसल्स फ्रॉम द डोनर साइट। डोनर साइट पेशेंट की अपनी भी हो सकती है और पेशेंट की अपनी ही होगी। बल्कि ग्राफ्ट जो है वो डिपेंड्स अपॉन रेसिपिएंट ब्लड सप्लाई, जो जिस जगह पे लगाएंगे उधर की जो ब्लड सप्लाई होगी वो यूज होगी, ग्राफ्ट के साथ कोई ब्लड सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है। ग्राफ्ट के अंदर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होने के, डिसकलरिंग होने के उसके, ठीक है, इस तरह के होने के प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लड सप्लाई के साथ नहीं आ रहा। उसके अलावा अगर टिश्यू लॉस हुआ हुआ है ना, लाइक कोई ज्यादा बर्न हुआ हुआ है या इस तरह की इंजरी है जिसके अंदर टिश्यू लॉस हुआ है, तो ग्राफ्ट उसको फिर फिल नहीं करेगा, टिश्यू जो लॉस हुआ हुआ है उसके लिए फिर आपको फ्लैप लगाना पड़ेगा। ग्राफ्ट जो है वो बस थोड़ा बहुत अगर बर्न हुआ हुआ है उसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसी क्लासिफिकेशन, एक तो ये आपको पता लग गया कि फुल थिकनेस स्प्लिट थिकनेस होता है और फुल थिकनेस होता है, ठीक है। उसके अलावा फ्लैप्स जो हैं वो आगे फर्दर उनकी बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। ब्लड सप्लाई अगर की बेसिस पे पहली क्लासिफिकेशन है, अगर इधर एक लिखी भी हुई है इन्होंने, अच्छा ग्राफ्ट की यदि भी इसने स्प्लिट थिकनेस, ठीक है। स्प्लिट थिकनेस में क्या होगा, लिमिटेड ऊपर जो है वो ऊपर वाली लेयर्स जो है वो सिर्फ उठाई गई, ये वुल्फ ग्राफ जो है या फुल थिकनेस ग्राफ जो है वो इसके अंदर पूरी निकालेगा। क्यों? अगर इसने फिंगर्स के ऊपर लगानी है, आईलिड्स के ऊपर लगानी है या फेशियल पार्ट्स की लगानी है, तो ताकि वो कांटेक्ट ना करे बाद में, फुल थिकनेस उठाएगा। और कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट लाइक उसमें मिक्सचर होगा, ठीक है, सिर्फ स्किन नहीं होगी। ये कंपोजिट फ्लैप्स भी होते हैं, कंपोजिट ग्राफ्ट भी होते हैं, उसके अंदर सिर्फ स्किन टिश्यू नहीं होगा, उसके अंदर फैट होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा। फ्लैप्स में भी हम देखते हैं कंपोजिट अगर होगा तो उसके अंदर अदर टाइप ऑफ टिश्यूज हो सकते हैं, लाइक बोन हो सकती है, के साथ फैट हो सकता है, मसल हो सकता है। अच्छा ये ना बड़ी रैंडम सी लिखी हुई है, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। अगर आप
एक टाइप ऑफ टिश्यू निकाल रहे हो, लाइक सिर्फ स्किन उठा रहे हो फ्लैप के अंदर, तो वो कौन सा फ्लैप होगा? नाम बताते रहो साथ साथ, बेशक चैट में बता दो। अगर जो है एक टाइप ऑफ निकाल रहे हो तो वो सिंपल ग्राफ, सिंपल फ्लैप या सिंपल ग्राफ है, फ्लैप्स की बात करते हैं, सिंपल फ्लैप है ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा उसमें टिश्यू निकाल रहे हो, लाइक स्किन भी है उसके अंदर, मसल टिश्यू भी है, या उसके अंदर बोन भी है स्किन के साथ, या फैट है या कुछ और है, तो आप उसको फिर कंपोजिट फ्लैप कहोगे ठीक है। स्किन हो सकती है मसल, बोन, फैट एंड पेशी हो सकता है। ये आपका होगा कि आपकी क्या क्या चीज़ आ रही है उसके अंदर। हाँ मैं बताता हूँ अपन डिग्री। अच्छा उसके बाद जो है ब्लड सप्लाई की बेस पे, ब्लड सप्लाई की बेस पे आपके पास रेंडम हो सकते हैं वो, या एक्सियल हो सकते हैं। रेंडम फ्लैप्स कौन से होंगे जिनकी ब्लड सप्लाई कोई नाउन आर्टरी, कोई नाउन वेसल्स नहीं होंगे, कोई मतलब लार्ज आर्टरी नहीं होगी, जो स्मॉलर वेसल्स होती है ना अननेम्ड वेसल्स, वो जो होंगी वो उसको सप्लाई कर रही होंगी। जबकि एक्सियल जो होगी उसमें कोई एक्सियल आर्टरी, कोई बड़ी आर्टरी जो है वो आप साथ निकालोगे फ्लैप्स के, तो नेम्ड आर्टरी जो है वो एसोसिएटेड होगी उस फ्लैप के साथ, जो आपने स्किन का एरिया उठाया, स्किन का फ्लैप उठाया, उसके साथ नेम्ड ब्लड वेसल इन्वॉल्व होगी। तो ये दोनों ब्लड वेसल्स की बेस पे होगी। पहली हमने पढ़ी कि कौन सी टाइप का टिश्यू आप उठा रहे हो, उसमें सिंपल और कॉम्पोजिट। फिर आपने देखी कि ब्लड वेसल कौन सी, ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई की बेस पे। अननेम्ड वेसल है तो हम उसको कहेंगे कि ये रेंडम फ्लैप है, अगर नेम्ड वेसल है तो हम उसको कहेंगे कि ये एक्सियल फ्लैप है ठीक है। अब जो रैंडम फ्लैप्स होते हैं ना, इनकी थ्री टाइप्स होती हैं। पता नहीं अभी ये, चलो रैंडम फ्लैप्स की थ्री टाइप्स क्या होती हैं। एक ये है कि आपने एक जगह से जो है वो पूरी स्किन उठाई, कहीं और लगा दिया आपने ठीक है, दैट विल बी फ्री रैंडम फ्लैप, या आप लिख लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, फ्री रैंडम फ्लैप। अगर आपने एक जगह से उठाई, उसकी ब्लड सप्लाई साथ ही अटैच्ड है ठीक है, तो ये जो ये जिस तरह बना होगा, ये जो इसने उठाया हुआ है ना, ये पेन, इसमें जो है वो इसको हम कहते हैं आईलैंड फ्लैप, सॉरी पेनिनसुलर फ्लैप। पेनिनसुलर क्या होता है, जिसकी थ्री साइड वाटर में होती है, जजीरा नुमा जिसको हम कहते हैं कि थ्री साइड वाटर में एक साइड जो है वो खुश्की से अटैच है। इसमें क्या होगा, थ्री साइड जो है वो उसके ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, एक साइड जो है ना वो पेडिकल के थ्रू जो है वो अटैच हुआ होगा। जबकि अगर आपकी फोर साइड्स जो है वो स्किन उसके साथ नहीं है, सिर्फ जो है वो बीच में स्किन का आपने फ्लैप लगाया हुआ है, चारों साइड उसकी खाली है, ब्लड सप्लाई गुजर रही है बट ब्लड सप्लाई के ऊपर स्किन नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि आईलैंडेड फ्लैप है। आईलैंड जैसे होता है चारों साइड पे वॉटर, यानी स्किन है बीच में, चारों साइड पे ओपन एरिया है, ब्लड वेसल भी ओपन एरिया में से गुजर के जा रही है, ब्लड वेसल स्किन से कवर्ड नहीं है। तो ये टाइप्स होगी आपकी रैंडम फ्लैप्स की। कौन कौन सी, फ्री रैंडम फ्लैप, पेनिनसुलर रैंडम फ्लैप एंड आईलैंड रैंडम फ्लैप। ब्लड सप्लाई की बेस पे भी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारी होगी लोकेशन। अगर डोनर की उस लोकेशन से, मतलब जिस साइड पे बर्न हुआ, साथ से लिया आपने, तो ऑब्वियसली लोकल फ्लैप, और अगर दूर से कहीं से लिया, किसी मतलब लिम पे हुई भी थी आपने, लिया है एब्डोमेन से, बटक सॉरी बटक्स पे हुई भी थी आपने एब्डोमेन से, या कहीं और से लिया है फ्लैप, तो उसको हम डिस्टेंट फ्लैप कहेंगे। इसने यहाँ पे मिक्स करके लिखा हुआ है इसने ठीक है, इसमें आप देख लेना, ये देखो आईलैंडेड फ्लैप, फ्री फ्लैप दिया हुआ है, पेनिनसुलर मिक्स करा दिया, और इस तरह तो कंपोजिट दिया हुआ है। बहरहाल किसी को समझ ना आया हो तो बताओ। जो बेले में रैंडम की टाइप्स दी हुई है वो तो एडवांसमेंट फ्लैप, रोटेशनल फ्लैप, ट्रांसपोजिशन फ्लैप, जीप्लास्टी दी हुई है किसकी, रैंडम की? रैंडम की, ये टाइप्स दी हुई है। अच्छा ये जो है ना, अब हमने किस किस बेसिस पे किया, हमने किया कि टिश्यू कौन सा है, ब्लड सप्लाई कौन सी है, और लोकेशन क्या है, कौन सी डोनर साइट से आपने उठाई है, साथ वाले से साथ से उठाया या दूर से उठाया। अब इनकी जो है ना फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, के किस तरह का आपने फ्लैप उठाया उसकी बेसिस पे इसकी आगे और बहुत सारी क्लासिफिकेशन है ठीक है। वो एडवांसमेंट फ्लैप है, पिविटल फ्लैप्स हैं, ज्योमेट्रिक फ्लैप्स हैं, पेडिकल फ्लैप्स हैं, तो
तो वो आपके लेवल पे जरूरी नहीं है, मैं फिर भी करा देता हूँ आपको, ठीक है? अगर लोकल फ्लैब आपने उठाया ना, तो उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, पिविटल जो मैट्रिक लाइक जिसमें जो है वो रोटेशनल, ट्रांसपोजिशनल, इंटरपोजिशनल ये वाले फ्लैप्स आते हैं, और अगर एडवांसमेंट फ्लैप्स हैं उसमें सिंगल पेडिकल, बाई पेडिकल और वी वाई फ्लैप्स आएंगे। तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं कभी ना आपका आना है। इसमें एक एम सी क्यू आता है कि कैसे था वो एम सी क्यू, बटक्स पे जो है वो बर्न हुआ है या इंजरी हुई है कोई, बल्कि सोर सोर प्रेशर जो होते हैं ना, अल्सर जो होते हैं, प्रेशर अल्सर वो हुआ। तो अब आपने उसको जो है वो फ्लैप लगाना है, तो कौन सा फ्लैप लगाओगे, कौन सा लगाओगे? सिंपल हाँ सिंपल एक्सियली तो लगाएंगे, लगाएंगे, एक्सियली लगाएंगे। सिंपल तो चलो सिंपल लगेगा या कंपोजिट लगेगा, ये तो बेस कर रहा है कि उसका स्किन इन्वॉल्व है या अंदर अंडरलाइंग जो है वो मसल भी इन्वॉल्व हो गया, उसको भी आपने रिपेयर करना है, तो ठीक है। एक्सियल एक्सियल ठीक है, एक्सियल लोकल फ्लैप लोकल भी लगाएंगे। अब देखो ये कंफ्यूज हो गया ना एमसीक्यू, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें जो है वो सिंपल भी लग सकता है, कंपोजिट भी लग सकता है, वो तो उसने पूछा ही नहीं होगा क्योंकि वो नहीं है। उसमें आपके ऑप्शंस थे एक्सियल, आईलैंडेड या पेडिकल्ड, और इस तरह क्या ये दो ऑप्शन हैं, चलो इनमें से बताओ। एक्सियल बता, एक्सियल तो देखो ब्लड सप्लाई की बेस पे जो टाइप है ना वो आपने नहीं बतानी कि एक्सियल है कि रैंडम है, ठीक है? खैर उसमें जो है वो उसका आंसर रोटेशनल फ्लैप है, परेशान हो गए सारे, रोटेशनल फ्लैप इसलिए है क्योंकि वो बुक में जो है वो जहाँ पे प्रेशर सोर्स का ट्रीटमेंट दिया हुआ है वहाँ पे उसने रोटेशनल फ्लैप्स लिखा हुआ है। और रोटेशनल फ्लैप किस चीज़ की टाइप है, लोकेशन के बेसिस पे लोकल फ्लैप्स की टाइप है, ठीक है, ज्योमेट्री के बेसिस पे पिविटल फ्लैप्स की हैं, और वैसे अगर ब्लड सप्लाई के बेसिस पे देखा जाए तो वो रैंडम कि जो आई लाइनेड टाइप हमने पढ़ी है, पेडिकल या आपके सामने लिखा हुआ है पेडिकल इसकी टाइप को, ठीक है? तो इस तरह आपके एमसीक्यूज में से कंफ्यूज हो जाएगा आपका। तो रोटेशनल फ्लैप्स का अगर हो तो आपने रोटेशनल फ्लैप्स लगा देना ऑप्शन उसका, अगर रोटेशनल फ्लैप्स ना हो ऑप्शन में तो फिर आपने आई लाइनेड या पेडिकल फ्लैप लगाना है, ठीक है? तो इसकी बेसिस पे जो है वो बनेगा। बाकी इसमें है कि एक क्वेश्चन आता है कि कॉस्मेटिक इशू हुए हैं बहुत ज्यादा, मतलब फेस पे बर्न हो गया या ऐसे एरिया पे हो गया जहाँ पे कॉस्मेटिक इशू है उसको मेरा, तो आप क्या करोगे? तो उसमें आपने फिर ये वाला प्रोसीजर करना, फ्लैप्स के और ग्राफ्ट के जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस और फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कॉन्ट्रेक्चर मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं बाद में या इसमें डिसकलरेशन हो जाती है। दूसरा जो उसकी कलर होगा ना वो फेस पे कौन सा वाला प्रोसीजर करना है, इसकी तो हमने अभी बात कर रहे हैं, बटक्स की है अभी, प्रेशर सोर्स का रोटेशनल फ्लैप्स करने हैं उसमें। फेस पे कौन सा करना है, फेस पे आपने टिश्यू एक्सपेंशन करनी है, और अगर आईलिड्स नोज और आईलिड्स नोज और लिप्स हैं शायद तो उसमें जो है वो आपने उसमें फ्लैप करने होते हैं आपने। कर आप इनमें से कोई भी सकते हो, लेकिन अगर आप बेटर कॉस्मेटिक चाहते हो पेरेंट्स तो आपने फिर टिश्यू एक्सपेंशन करनी है। टिश्यू एक्सपेंशन में क्या होता है जो साथ वाला एरिया होता है ना उसी को आप एक्सपेंड करके जो है वो उसके ऊपर कवर कर देते हो, उसका बड़ा लंबा तरीका है। कैसे आपने करना? 641 पे बटक्स वाली पिक्चर पे रोटेशनल फ्लैप उन्होंने बना के लिखा हुआ है इधर पिक्चर्स में, पेज 641 में पिक्चर्स में। देखा वहीं से आया होगा, अब क्या कर सकते हैं इंसान, सिर्फ पास एमसीक्यू कर सकते हो आप तो शायद कवर हो जाए। अच्छा सॉरी मैंने अब पढ़ा है आपके डिग्रीज और ओके मैं दोबारा एक दफा, अच्छा टिश्यू एक्सपेंशन ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है? टिश्यू एक्सपेंशन कब करोगे, जब आपको सबसे बेस्ट जो है वो कॉस्मेटिक अपीयरेंस चाहिए। क्या होगा एडवांटेजेस क्या है, वेल वैस्कुलर टिश्यू होगा, साथ वाला ही टिश्यू होगा तो इस वजह से उसकी जो कलर होगा कंटोर होगा वो सिमिलर होगा तो वो मैच करेगा, ठीक है? डिसएडवांटेजेस क्या होगा,
मल्टीपल आपको सर्जरीज करनी पड़ेंगी, कॉस्ट उसकी हाई है और इन्फेक्शन और का चांसेस जो है वो ज़्यादा है, तो मेरा रट्टा आपने लगाना है। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, लैब्स जो है वो आपने उसको तीन बेसिस पे जो है वो डिवाइड कर सकते हो। अगर आप उसको कि उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है उसकी बेस पे एक क्लासिफिकेशन है, प्लेन या कंपोजिट, सॉरी सिंपल या कंपोजिट। सिंपल में क्या है, सिर्फ स्किन। कंपोजिट में क्या है, स्किन विद फैट, स्किन विद बोन, स्किन विद मसल, स्किन विद फेशिया, ये सारे कंपोजिट लैब। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई की बेस पे। अगर ब्लड सप्लाई नेम्ड आर्टरी से तो है तो वो एक्सियल फ्लैप कहलाएगा, अगर अननेम्ड वेसल्स हैं तो वो रैंडम फ्लैप कहलाएगा। ठीक है, रैंडम फ्लैप जो है वो फिर फर्दर थ्री टाइप्स का हो सकता है। फ्री फ्लैप, जिसके अंदर आपको ब्लड सप्लाई जो है वो कहीं जो है वो इतना खास नज़र नहीं आ रही होगी कि कहाँ से आ रही है। ठीक है, पेनिसुलर फ्लैप्स, पेनिसुलर फ्लैप्स में क्या होगा, एक आपने ब्लड वेसल जो है वो आपको नजर आ रही होगी स्किन के अंदर, स्किन से कवर्ड होगी और जा रही होगी, जबकि आई लाइनेड में क्या होगा, स्किन से भी कवर नहीं होगी ब्लड सप्लाई। इसमें एक पिक्चर है, उसमें आपको आई लाइनेड बना के दिखाया हुआ, ये आई लाइनेड फ्लैप है, यहाँ से उसने उतारा है और यहाँ पर लगाया है, और ब्लड सप्लाई वही है इसकी, इसके अंदर से। ठीक है, जो स्किन से कवर हुआ होगा ऊपर से। अगर आप थर्ड पिक्चर देखो ऐसे, चलो इसके रिपेयर इतनी आपको आएगी नहीं। अच्छा ये तीन दो हो गई टिश्यू के बेस पे और ब्लड सप्लाई के बेस पे। थर्ड है लोकेशन, डोनर साइट की क्या लोकेशन है। डोनर साइट की लोकेशन साथ ही थी बन के, तो लोकल फ्लैप, जिस तरह ये सामने आपको नजर आ रहा है लोकल फ्लैप है, साथ है ये। अगर डिस्टेंट साइट से उठाया तो उसको हम डिस्टेंट फ्लैप कहेंगे। ठीक है, फिर लोकल और डिस्टेंट की फर्दर टाइप्स हैं, ज्योमेट्री की बेस पे क्या आपने किस तरह का फ्लैप काटा है, किस तरह उसको लगाया है, तो वो चीज़ें हैं वो आपके लेवल की नहीं है, आपने नहीं करनी वो। ठीक है, डिस्टेंट की दो टाइप्स हैं, नाम बता देता हूँ मैं, फ्री एंड पेडिकल्ड। फ्री में क्या होता है, आप डिस्टेंट साइड से पूरा उठाते हो और साइड पे लगाते हो, और जो वेसल्स होती हैं उनको माइक्रो सर्जरी के थ्रू जो है वो हर वेसल को आपने उस जगह पे स्टिच करना है जहाँ पे जो आपने मतलब रेसिपिएंट साइड पे जहाँ पे लगाया आप। और पेडिकल्ड में क्या होता है, डिस्टेंट साइड से उठा के ब्लड सप्लाई वही रहती है उसी वेसल के साथ जो है वो आप पूरी वेसल के साथ उठाते हो, और वही वेसल जो है वो आप डायरेक्ट जो है वो मेन नेम्ड वेसल जो आपकी है वो आप अटैच कर देते हो। ठीक है, तो इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम कंफ्यूज हो रहे हैं। टिश्यू एक्सपेंशन आपने कर ली इस चैप्टर में से, और पढ़ने को तो जितना मर्जी पढ़ो लेकिन फायदा कोई नहीं है, एक एमसीक्यू एक या दो एमसीक्यू आते हैं इसमें। ये देखो ये इसमें दिया होगा लोकल फ्लैप्स पे जो है ना, आगे पिवोटल होते हैं और एडवांसमेंट फ्लैप्स होते हैं। एडवांसमेंट फ्लैप है, आपने पेज नंबर क्या बताया था, 614। इसी पेज पे डायग्राम बनी हुई नीचे, ये जो भी पेज था यहाँ इस पे नीचे 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 ये ये है, इस रिटर्न रोटेशनल फ्लैप्स यूज करने। ठीक है, लेकिन जहाँ उसने प्रेशर सोर्स का ट्रीटमेंट दिया हुआ है ना इसमें पहली में, वहां पे जो है लिखा हुआ है रोटेशन फ्लैप्स यूज होंगे स्पेसिफिकली। चलो ये तो हो गया आपका। यार मुझे जो है ना एक दो लोगों के मैसेज हैं कि स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ है, तो हम लोग साथ साथ जो है वो नहीं कवर कर पा रहे, तो आपका जो है वो जिसको भी इस तरह कोई मसला हो वो मुझे बता दे, हम जो है वो लो कर लेंगे उसको या उसको मॉडिफाई कर लेंगे। अब ये नहीं है कि 15 दिन के बाद जो है वो आप लोग कहो हमें तो कुछ भी नहीं आता, फिर ऐसे ही ज़ाया करने की जरूरत नहीं है 15 दिन, अच्छी तरह अपनी तैयारी करो। अब टाइम जो है वो इस तरह का नहीं है, ये हर किसी को हम साथ साथ लेके चलेंगे, अगर किसी से कवर ना हो रहा हो तो बता दे, हम लोग ब्रेक ले लेंगे या रिवीजन कर लेंगे या पास पेपर या इस तरह कुछ जो है वो साथ देख लेंगे, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ कवर कर लो। न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर टू सेवन एट।
यार ये बड़ा इजी चैप्टर है, थोड़ा मुश्किल सा लगेगा आपको, लेकिन सबसे पहले आपके पास ना न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू आया हुआ था अभी कल परसों ही देख रहा था, क्या आपके पास एक पेशेंट आया उसका बेस्ट ये क्या है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का, ठीक है, तो उसमें उसने दिया हुआ था टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मिड बाइसेप सर्कमफेरेंस, मिड फोर आर्म सर्कमफेरेंस एंड एक चीज और दी हुई थी, तो इसमें से क्या होगा? एल्ब्यूमिन होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, क्या क्या ठीक ऑप्शंस हैं? एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन, मिड बाइसेप सर्कमफेरेंस, मिड फोर आर्म सर्कमफेरेंस, और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। चलो मिड फोर आर्म सर्कमफेरेंस तो कोई चीज पढ़ी है कभी? नहीं ना, मिड आर्म सर्कमफेरेंस पढ़ा होगा, जहां भी पढ़ा होगा, तो मिड बाइसेप सर्कमफेरेंस मिड आर्म सर्कमफेरेंस के करीब करीब बनता है। दूसरा एल्ब्यूमिन तो बिल्कुल भी नहीं है मार्कर, और थर्ड ऑप्शन जो था वो लिम्फोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट था, ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो आपका बनेगा, ठीक है, लिम्फोसाइट काउंट का ऑप्शन नहीं था। वैसे अगर स्पेसिफिकली उसने पूछा हुआ हो तो लिम्फोसाइट काउंट जो है वो आपका स्पेसिफिक आंसर है। तो एल्ब्यूमिन क्यों नहीं है? एल्ब्यूमिन इसलिए नहीं है कि उसकी कंपोजिशन जो है, अगर हाइपोवोलीमिया आपको हो गया उसके साथ चेंज, नेफ्रोटिक है उसके साथ चेंज, प्रोटीन आप खा नहीं रहे उसके साथ चेंज, ठीक है, किसी भी चीज के साथ सिरोसिस है उसके साथ प्रोटीन कम, तो वो सिर्फ जो है वो आपको मेल न्यूट्रिशन ही बता रहा होता, बाकी और चीजों के साथ बॉडी के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए एल्ब्यूमिन अच्छा मार्कर नहीं है। लिम्फोसाइट काउंट इसलिए अच्छा मार्कर है कि ये सिर्फ जो है वो या बहुत कम कंडीशन के साथ जो है वो लो होता है, तो इसलिए आप कर सकते हो। और लिम्फोसाइट को इनडायरेक्टली चेक करने का तरीका क्या है? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट जो है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्किन प्रिक टेस्ट हो गए डिफरेंट किस्म के, जिस तरह पीपीडी जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है वो भी यही इसी की एक टाइप है, तो उसमें वो आप कर सकते हो, वो क्योंकि हो रहा होता है उसमें लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, टी क्या होता है, T4, CD4 होता है, T4 होते हैं, तो वो वाले इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए जो है वो उस इनडायरेक्टली आप उससे भी चेक कर सकते हो अगर वो ऑप्शन हो। खैर ये आपके लैब टेक्निक्स हो गई जिनसे आप जो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकते हो कि बंदा मेल न्यूट्रिशन है कि नहीं। उसके अलावा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपने पीड में भी पढ़े हुए होंगे, कि आप उसका वेट कर सकते हो, बच्चा है तो उसका वेट करोगे, बड़ों में अगर लॉन्ग टर्म असेसमेंट करना चाहते हो तो हाइट का कर सकते हो, ठीक है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस का कर सकते हो, स्किन फोल्ड थिकनेस का कर सकते हो, BMI निकाल सकते हो उसका, तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स हैं, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा है मस्ट टूल, या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बस आपने एक दफा रीड करना है, ये तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, बस आपको ये पता होना चाहिए BMI कितना है पेशेंट का, ठीक है, पिछले 3 to 6 months में जो है वो वेट लॉस तो नहीं हुआ, ठीक है, और पिछले कुछ अरसे में उसको या अभी जो उसको डिजीज हुई हुई है उसकी वजह से उसको उसकी न्यूट्रिशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ठीक है, BMI, वेट लॉस, एक्यूट डिजीज इफेक्ट, ये मस्ट टूल में तीन चीजें हैं, इनके आपने सिर्फ नाम याद, कभी नहीं आया ये ना आपने करना है, तो इसके आपने नेम याद रखना है, बाकी फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्यूशंस के नेम आपको पता होने चाहिए कि क्रिस्टलाइट्स कौन से हैं, जिसने दिया हुआ हाँ ये दिया हुआ, ठीक है, इसमें क्या है क्रिस्टलाइट कौन कौन से हैं इसमें से, चलो हम जितना सुबह बताए थे मैंने, डेक्सट्रोज क्या है, क्रिस्टलाइट है, कोलाइड है, ये फ्लूइड वाला अलग से चैप्टर है, ये करना है, ये नहीं किया अभी तक डिस्कस। मैंने सुबह ही जो है वो कोलाइड, क्रिस्टलाइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ाया, ये अलग से चैप्टर है, उसमें सारे ये हैं कि इनकी इंडिकेशन इनमें क्या क्या है। वो चैप्टर हमने नहीं करना, और इस वजह से मैंने सुबह बताया था आपको कि क्रिस्टलाइड और कोलाइड में क्या हुआ है, नहीं पता। कोई याद नहीं है,
बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल सलाइन जो है ये आपका क्रिस्टलॉइड है, हार्डमैन सॉल्यूशन क्रिस्टलॉइड है, डेक्सट्रोज मतलब क्रिस्टलॉइड है ये सारे। तो जो आपके जेल फ्यूजन है, हिमाटोसिल है और हिमासिल है, और ये हेटासिल है, टॉर्च, ये आपके कोलाइड हैं। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट किस्म के जो है वो कोलाइड, और जो ह्यूमन एल्ब्यूमिन है वो भी कोलाइड है, एल्ब्यूमिन अगर आप अलग से लगाते हो उसका इंक्लूजन। चलो, और आपने इसमें नेम्स ही करने हैं और कुछ नहीं करना। हाँ, इलेक्ट्रेट किसमें क्या, इलेक्ट्रेट इसमें से ये देख लो किसी एक में पड़ा हुआ है सिर्फ। ठीक है, हार्डमैन सॉल्यूशन ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रेट है। तो मॉनिटरिंग फीडिंग रेजिम्स ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज आपने बना हुआ है उसमें डोगर में भी। डेली क्या क्या चेक करना है आपने, कोई भी आप फीडिंग कर रहे हो उसकी, पावर इंटरल कर रहे हो या एंट्रल कर रहे हो, कोई एनजी ट्यूब डाली भी है, कुछ भी, अभी हम देखते हैं किस तरह कर सकते हो। तो आपने इसको मॉनिटर कैसे करना है, फ्लूइड बैलेंस कैसे देखोगे, फ्लूइड बैलेंस इनटेक एंड आउटपुट दोनों को देखेंगे। हाँ, इनटेक और आउटपुट देख लोगे आप सिंपली, जो आप उसको फ्लूइड आई भी लगा रहे हो या ओरली वो ले रहा है, और यूरिन आउटपुट कैसे है। ठीक है, इसके बाद बॉडी वेट आपने करना है। बॉडी वेट अगर जो है ना फ्लूइड एक तो वैसे बढ़ रहा होगा, लेकिन अगर फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है पेशेंट को तो उसका बॉडी वेट बहुत अचानक से बढ़ता है। ठीक है, दूसरा आपने बच्चों में पढ़ा होगा कि डिहाइड्रेशन के लिए भी जो है वो बॉडी वेट चेक कर, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो अचानक से तो उसमें भी बॉडी वेट लॉस हो जाता है। बाकी फुल ब्लड काउंट आपने करना है, ल्यूकोसाइट्स आपको बता देते हैं, ब्लड ग्लूकोज करना है आपने, और इलेक्ट्रोलाइट करना है, और टेम्परेचर करना है, ये डेली आपने चेक करनी है चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपने वीकली क्या चेक करना है, ऑस्मोलैलिटी प्लाज्मा की और यूरिन की, कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक फॉस्फेट ये मिनरल्स हैं, एल्ब्यूमिन चेक करनी है आपने, लिवर फंक्शन, थायमिन, एसिड बेस, ट्राइग्लिसराइड। अभी हम आगे जब कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे ना टीपीएन की एंड एंट्रल न्यूट्रिशन की, यही जो लेवल सारे हम चेक कर रहे हैं ना, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपरकलीमिया, मैग्नीशियम जिंक की डेफिशिएंसी, हाइपोफॉस्फेटीमिया, यही चीज़ें जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेशन है। हम इसलिए इसको चेक करते हैं कि आपकी जो न्यूट्रिशन है वो काम कर भी रही है या कॉम्प्लिकेशन ही करवा रही है। और फोर्टनाइटली आपने क्या चेक करना है, ये ज़्यादातर जो है वो मिनरल्स और वो हैं वाइटामिन, विटामिन B12, फोलेट, आयरन, जिंक, कॉपर, मैगनीज, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, लैक्टेट, इनके लेवल जो है वो आपने फोर्टनाइटली चेक करना है। बस फोर्टनाइटली मतलब 2 वीक्स, एवरी 2 वीक्स ये आपने लेवल कराना। खैर, इसमें से ना MCQs आते हैं, अगर आप कि डोगर में पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे दिया होगा, लेकिन इसमें आया होता है कि आपने कितनी प्रोटीन देनी है, कितना देना है, परसेंटेज अक्सर दी हुई होती है, या जो है ग्राम पर केजी में भी पूछा हुआ होता है, तो ये आपको थोड़े थोड़े लेवल याद करने पड़ेंगे। तो टोटल एनर्जी कितनी चाहिए आपको, ये लिखी है सामने, पढ़ दो भाई, 1300 to 1800 किलो कैलोरीज पर डे नॉर्मली चाहिए होती है, 20 to 30 kg किलो कैलोरीज पर केजी इंक्रीज होता है ड्यू टू, नहीं सॉरी, ड्यू टू स्ट्रेस। 1300 to 1800 किलो कैलोरीज पर डे चाहिए होते हैं, वो उसने ना पर केजी पर डे बताया हुआ, तो उसको बेशक ना करो आप, तो ये आप याद कर लो, 1300 to 1800 किलो कैलोरीज पर डे अप्रॉक्सीमेटली एक पेशेंट, एक नॉर्मल पर्सन की वो है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए होते हैं, टू ग्राम्स पर डे। ठीक है, फैट कितना चाहिए हुआ होता, अभी इसके अलग है आपको कितने लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स चाहिए, कितने सैचुरेटेड, कितने अनसैचुरेटेड, तो ये आप वैल्यूज याद कर लो तो MCQs में आपको काम आएंगी। प्रोटीन का उसने पूछा हुआ होता है या उसने
उसने पूछा था टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है. नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट और प्रोटीन जो है वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है. नाइट्रोजन हमारी बॉडी में प्रोटीन के थ्रू ही आ रही है ज़्यादातर. तो दैट इज 0.1 to 0.15 ग्राम्स पर के जी पर डे. तो ये आपने जो है वो वैल्यू याद कर लेनी है. ठीक है. सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट चेंज होती है वो एनर्जी की थोड़ी बहुत चेंज होती है और प्रोटीन्स की चेंज होती है. प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर पेशेंट को कोई मसला हुआ है, डिजीज हुई भी है, सर्जरी हुई है. सबसे ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में जाता है. उसका क्या मतलब है, नाइट्रोजन का इंटेक जो है वो बढ़ जाता है बॉडी में. वाइटामिन मिनरल्स ट्रेस एलिमेंट आपको चाहिए, इनकी वैल्यू तो आप याद करो तो बहुत अच्छी बात है, ना भी करो तो ठीक है. आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन सपोर्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी हमेशा. सबसे पहले क्या है, अगर आप ओरल इनटेक करवा सकते हो ना, कोई भी कंडीशन है ओरली पेशेंट इनटेक कर सकता है, तो आपका प्रेफरेबल मेथड ओरली होगा. ठीक है. ओरल अगर नहीं कर सकता, अनकॉन्शियस पेशेंट है, पेशेंट को डिस्फेजिया है किसी इसोफेजल की वजह से, कार्सिनोमा की वजह से, ठीक है, तो वो नहीं है, आप फिर उसको ओरल करवा सकते. या उसकी सर्जरी ही इसोफेगस की होनी है या सर्जरी ही जीआईटी की होनी है, फिर भी आपको उसको नहीं आप फील करवा सकते एंट्रली. एंट्रल मीन्स जीआईटी के थ्रू. तो फिर आप जो है वो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन की तरफ जाओगे. ठीक है. तो उसमें क्या क्या आपके पास है, अगर वो सॉलिड और ले सकता है तो उसमें सही है, उसको पूरी आपने फीडिंग करवानी है. अगर वो सॉलिड और वो नहीं ले सकता, फिर आपने उसको सिर्फ फीडिंग करवानी है. सिर्फ फीडिंग में क्या होगा, आपने जो है वो लिक्विड या सेमी सॉलिड किस्म की जो है ना वो बनाई भी होंगी फीडिंग. उसमें सारी चीज़ें होंगी, प्रोटीन्स होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स होंगे. तो वो आप उसको जो है वो उसके थ्रू जो है फीडिंग करवा सकते हो. वो सिर्फ फीडिंग है, सिर्फ फीडिंग. लेकिन जो है वो इतना अच्छा मेथड नहीं है. क्यों, ये जो है ना पैलेटेबल नहीं होते. लेकिन लाइक आपको आप कोई पानी में मिला के सारी चीज़ें फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दे रहा हो तो कौन लेना पसंद करेगा उसको. तो वो पैलेटेबल नहीं होते हैं वो, इसलिए जो है वो मतलब पेशेंट वैसे ही पहले ही जो है वो परेशान होता है, वो नहीं ले सकता है इनको. इसका ये साइड इफेक्ट है. बाकी और क्या हो सकता है, अब आप सिर्फ फीडिंग भी नहीं करवा सकते किसी वजह से, तो आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दो. नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है. वो भी नहीं अगर किसी वजह से हो सकती, तो आपके पास डायरेक्टली स्टमक में जो है ना आप स्टमक का स्टोमा बना सकते हो, गैस्ट्रोस्टमी कर सकते हो. ठीक है. पैरेंटल यानी जो स्किन है ना उसकी एपिगैस्ट्रियम में, वहां से आप डायरेक्टली जो है कनेक्शन बना दोगे, वहां से आप फीडिंग कर दोगे. स्टोमा जैसे आप बनाते हो जिजेनोस्टमी करते हो, वैसे ही आप गैस्ट्रोस्टमी भी कर सकते हो. ठीक है. उसके अलावा जुजेनम में क्या कर सकते हो, आप नेजोजुजनल ट्यूब डाल सकते हो. तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, इतना नेजोजुजनल ट्यूब आपके स्टमक को भी बाईपास करके कहाँ तक जाती है, जुजेनम तक जाएगी. जुजेनोस्टमी कर सकते हो आप, फीडिंग जुजेनोस्टमी जिसको आप कहते हो, कॉमनली आपने जीआईटी में भी पढ़ी हुई होगी, तो वो आप कर सकते हो. अलावा कोई एंट्रल फीडिंग का तरीका है और एक ये फाइन बोर ट्यूब इंसर्शन लिखा हुआ है, ये वही है एनजी ट्यूब की तरह की है ये. अगर आपने बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए डालनी है ना एनजी ट्यूब, तो आप फाइन बोर नीडल डालोगे. फाइन बोर नीडल में क्या होता है, मतलब उसका पतली होती है, आप आम लहजे में कह लो कि उसका जो डायमीटर होता है इंटरनल वो कम होता है. उसकी वजह से जो है वो कम से कम क्या कहेंगे उसको, डैमेज जो होता है ना इस को जो हो रहा होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की वजह से, नॉर्मल बोर की नेजोगैस्ट्रिक वो कम हो जाता है. अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए 14 डेज से ज़्यादा के लिए डालनी है, तो आप फाइन बोर डालोगे, प्रेफरेबल है. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एंट्रल न्यूट्रिशन, आपने एंट्रल न्यूट्रिशन ही करवानी है वेन एवर पॉसिबल. ठीक है. उसके लिए जो है वो आप सिर्फ फीडिंग यूज कर सकते हो. सिर्फ फीडिंग में क्या मसला होगा, पैलेटेबल नहीं है पेशेंट जो है वो, कंप्लायंस उसकी जो है वो पूरा होगी. ट्यूब फीडिंग टेक्निक्स हैं आपकी, ट्यूब फीडिंग टेक्निक्स प्रेफरेबल हैं अगर आप अप टू 7 डेज तक देना चाहते हो. इससे ज़्यादा आप देना चाहते हो तो आप ट्यूब को जो है वो नहीं करोगे, और अगर फिर भी ट्यूब ही डालना चाहते हो तो फाइन बोर नीडल आप डालोगे, फाइन बोर ट्यूब डालोगे. उसके अलावा इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है
ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाती है, जो सॉलिड जो डाइट वगैरह आप दे रहे होते हो ना, या मटेरियल जो अकोमोडेट हो रहे हैं, सेक्रेशंस वगैरह, वो सॉलिडिफाई हो जाती है और ट्यूब ब्लॉक हो जाती है. तो ये इसका जो है वो प्रॉब्लम है. गैस्ट्रोस्टमी आप कर सकते हो, उसके भी दो मेथड्स हैं जो आपके काम के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ उनके. टैब इंसीजन के थ्रू आप कर सकते हो, ब्लाइंड टेक्निक है ये, ठीक है. ब्लाइंड टेक्निक का मतलब इसमें आपको एंडोस्कोप वगैरह नहीं यूज करे, आप डायरेक्ट जो है वैसे ही कर रहे, और सॉरी एंडोस्कोप यूज कर रहे हो लेकिन आप ब्लाइंडली बाहर से जो है ना वो स्टैब कर रहे हो. जबकि ट्रांस ओरल या पुश थ्रू टेक्निक में आप एक सुचर या गाइड वायर डालते हो, जो भी आपने स्टैब किया उसके थ्रू जो है वो, लंबा प्रोसीजर आप एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है उसको, तो वो आप जो है वो कर सकते हो. ये आप कब करते हो गैस्ट्रोस्टमी, जब 4 to 6 weeks तक आपने सप्लाई ये एंट्रल न्यूट्रिशन देनी है, ठीक है. 7 से कम हम क्या दे रहे थे, नॉर्मल नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब. 14 days से ज़्यादा हमने देनी है तो ट्यूब डाल दी हमने फाइन बोर, और अगर हमने 4 to 6 weeks तक देनी है तो हमने फिर गैस्ट्रोस्टमी कर दी. और अगर इससे भी लॉन्ग टर्म आपने देनी है बहुत ही किसी सर्जरी की वजह से, तो फिर आप जिजनोस्टमी करोगे, ठीक है. जिजनोस्टमी में क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ फ़ायदे हैं उसके, कुछ नुकसान है. फ़ायदा क्या है, एस्पायरेशन के चांसेस गैस्ट्रोस्टमी में नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब में होते हैं, यानी एयरवे में जाने के फूड मटीरियल, क्योंकि जिजनोस्टमी में ऐसा चांसेस बहुत लो हो जाते हैं, ठीक है, एस्पायरेशन के. उसके अलावा टॉलरेंस जो है वो इन्हेंस्ड होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकती है पेशेंट उसके जिजनम में से. तो ये आपके दो इसके फ़ायदे हैं. और नुकसान क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने अगर ट्यूब डाली भी है तो क्या नुकसान होंगे, या आप आगे भी पढ़ोगे जिजनोस्टमी के क्या एडवांटेजेस हैं, लेकिन उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, गट में जो है वो अपने फ्लोरा हैं उसके, ठीक है. ट्यूब डिस्प्लेस होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, आपके फिस्टूला बनने के, एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टूला बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. डायरेक्ट मतलब पक्की पक्की कम्युनिकेशन बन जाती है उसके दरमियान दोनों के. लीक होने के चांसेस हैं, परफोरेशन आपने की है तो पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस हैं. तो यह इसके डिसएडवांटेजेस हैं. कौन कौन एडवांटेजेस हैं, एस्पायरेशन कम से कम होगी, टॉलरेंस ज़्यादा होगी एंट्रल ब्लीडिंग की जिजनोस्टमी अगर आपने की है. डिसएडवांटेजेस हैं कि लीक हो सकती है, ट्यूब डिस्प्लेस हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, फिस्टुला बन सकता है, एटसेट्रा, ठीक है. वैसे अगर हम एंट्रल की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इन्होंने बड़ा अच्छा टेबल दिया हुआ है, आपका ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है. इनमें से कुछ हम बातें कर चुके हैं लेकिन जनरली ये हैं. ट्यूब रिलेटेड क्या है जी, मेल पोजीशन, आपने गट में नहीं डाली है, आपने एयरवे में डाल दी, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट निकल गई, कभी आगे चली गई कभी कम डली हुई है. ब्लॉकेज बात हो चुकी है, ब्रेक हो गई, लीकेज हो गई, एरोजन ऑफ स्किन म्यूकोजा होगी. जितना ज़्यादा बोर होगा, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा एरोजन के चांसेस होंगे. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या हो सकते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, एस्पायरेशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक. मेटाबॉलिक, ये अलग से क्वेश्चन भी आया हुआ है, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स, विटामिन मिनरल्स स्ट्रेस डेफिशिएंसीज, ड्रग इंटरेक्शन, और इन्फेक्शन हो सकते हैं, बाहर से आ सकते हैं और पेशेंट के अपने हो सकते हैं. इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, बस आपने इसमें मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल अलग से भी याद करनी है. इसमें भी, और अभी हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन की करेंगे, तो उसमें अगर आप किसी वजह से एंट्रल न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, सर्जरी GIT की करनी है आपने, एसोफेजेक्टमी करनी है, गैस्ट्रेक्टमी करनी है, कोई इंटेस्टाइनल रिसेक्शन करनी है या एनास्टोमोसिस करना है, तो उसमें रेस्ट देना है आपने गट को, तो हील करने के लिए आपने उसको टाइम देना है, तो उसमें फिर आप यूज़ करोगे टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है. एक इसमें मिला के भी होती है, कुछ आप एंट्रल के थ्रू दे रहे होते हो, कुछ आप जो है वो इसके पैरेंटल रूट के थ्रू दे रहे होते हो, तो हम इसको PPN कहते हैं, पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है. अच्छा खैर, TPN के आपके पास दो रूट्स हैं, पेरिफेरल वेन्स एंड सेंट्रल वेन्स. पेरिफेरल वेन्स कौन सी हैं, जिनमें आप IV कैनुला नॉर्मली लगाते हो, वेस्ट की हो गई, आपकी पेमोरल वेन हो गई, पॉपलीटियल हो गई, मतलब डिफरेंट किस्म की सारी जो वेन्स जिनके अंदर आप IV एक्सेस डालते हो, दैट आर पेरिफेरल वेन्स, तो उनके थ्रू आप फीडिंग कर सकते हो. जबकि सेंट्रल वेन्स कौन सी हैं, इंटरनल जुगलर है, सबक्लेवियन वेन है,
एक्सिलरी भी है शायद, आई गेस। हाँ है, इंटरनल जुगलर है, एक्सटर्नल जुगलर है, तो ये भी है ना। तो ये आप जो है वो आप आपकी सेंट्रल वेन्स है, या हार्ट के करीब करीब है, या आपके इनके थ्रू आप कर सकते हो। थर्ड अप्रोच है आपकी कि आप पेरिफेरल के थ्रू लाइन डालो और उसको इंसर्ट करते 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 जो है वो सेंट्रल तक ले जाओ। सारी वेन्स जाओ तो सेंट्रल वेन्स में ड्रेन हो रही है तो उस तक आप ले जाओ, तो उसका उसको उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल इंसर्शन ऑफ सेंट्रल कैथेटर। इंसर्शन आपने पेरिफेरली की है लेकिन गए आप सेंट्रल तक हो, तो PICC। समझ आ रहा है आपको? ये आपका इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक TPN का। उसके कोई रूट्स नहीं पूछ रहा एंट्रल के, क्योंकि वो ना पता ही होते हैं। टोटल पारेंट्रल के रूट्स भी आते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी दोनों की टाइप्स के अलग अलग आते हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल और PICC की, PICC की सॉरी, पेरिफेरल इंसर्शन। चलो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। बहरहाल पेरिफेरल इंसर्शन में प्रॉब्लम क्या होगी, 7 डेज से ज़्यादा जो है ये मेंटेन नहीं रहेगी। वाई? जब भी आप इंसर्ट करते हो ना कैथेटर, तो वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को जो है वो स्टार्ट करवाती है। PICC से है, पेरिफेरल इंसर्शन ऑफ सेंट्रल कैथेटर। कहाँ पहुंचे थे? हाँ, तो वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, एंडोथीलियम डैमेज होती है, उसकी वजह से थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो जाता है। और थ्रोम्बोफिलेबाइटिस होने की वजह से क्या होता है, वो वैली वेसल बंद हो जाती है, ऑक्लूड हो जाएगी पूरी, थ्रोम्बोसिस होगा, मतलब पूरा साइकिल है उसका, तो वो ऑक्लूड हो जाएगी। 7 डेज से ज़्यादा जो है वो आप पेरिफेरल को तो यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे, 7 डेज से ज़्यादा अगर आप TPN देना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल डालनी पड़ेगी। सेंट्रल के लिए आपके पास 3 चीज़ें हैं, आप इंटरनल जुगलर में डाल सकते हो, एक्सटर्नल जुगलर में डाल सकते हो। एक्सटर्नल जुगलर इंटरनल जुगलर में क्या प्रॉब्लम है, ये नेक के ऊपर है और नेक की मोबिलिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, जबकि जो सब क्लेवियन है वो हम डालते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर अप्रोच से, वो क्लेविकल के ऊपर से डालते हैं, उस एरिया की मोबिलिटी नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो है ना इन सब में वो है इंफ्रा क्लेविकुलर सब क्लेवियन अप्रोच। उसमें कम से कम कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, कम से कम उसके डिस्प्लेसमेंट के चांसेस हैं, ऑक्लूड होने के उसके चांसेस कम है। ठीक है भाई, इसमें यही है आपके लिए। और आप जो है वो एक इसमें टर्म है हिकमैन लाइंस, HICKMAN लाइन। तो हिकमैन लाइंस क्या होती हैं? ये डिस्पोजिशन या डिस क्या कहेंगे, सो डिस्प्लेसमेंट से बचाने के लिए ना इसमें एक स्मॉल सा कफ लगा हुआ होता है। तो जब सबक्यूटेनियसली चला जाता है ना कैथेटर, कैथेटर तो आपने डाल दिया उसके अंदर वेन के अंदर, अब जो सबक्यूटेनियस पार्ट है कैथेटर का, उसको उसके ऊपर एक बलून होता है, उसको आप इन्फ्लेट कर देते हो तो ये निकल नहीं सकती जब तक आप उस बलून को डिफ्लेट नहीं करते। तो ये बाकी आपने इंसर्शन के बाद एक्सरे करवाना है, एक्सरे करवा के आपने जो है वो कंफर्म करना है कि सेंट्रल वेन में ही गई है, कहीं और तो नहीं। आपने कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ TPN आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है, आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन दे रहे हो उसको, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, ये सारी जो मतलब हाइपर हो जाएंगी, जो अमाइनो एसिड्स दे रहे हो वो भी बढ़ जाएंगे, टैग्स दे रहे हो वो भी बढ़ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने की वजह से आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट कैल्शियम इनके लेवल्स बढ़ जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ओवर फीडिंग की वजह से। अगर आप कम दे रहे हो तो तब भी प्रॉब्लम है, अगर आप कम दे रहे हो तो फिर यही वाली सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये सारी कम हो जाएंगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ग्लूकोज कैल्शियम पोटाशियम नाइट्रो ये सोडियम ये जो है वो कम हो जाएगा, उसके अलावा जो आपके ट्रेस एलिमेंट्स हैं विटामिन है वो उनकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी, खासतौर पर जिंक आयरन मैगनीज इनकी जो है ना वो डेफिशिएंसी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी ट्रेस एलिमेंट। थर्ड, ट्यूब रिलेटेड या कैथेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं कैथेटर के थ्रू, सेप्सिस हो सकता है जिसको हम कैथेटर सेप्सिस कहते हैं, उसको हम अभी देखते हैं किस तरह हमें डायग्नोज करना है। और उसके अलावा ट्यूब ब्लॉक हो गई, डालते हुए आपने
लंग्स में उसको जो है लंग्स वाली साइड पे उसको कर दिया, तो नीमोथोरेक्स हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गई, थोरेसिक डक्ट को डैमेज कर दिया आपने, पेरिकार्डियम को डैमेज कर दिया, जितने भी स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं चेस्ट कैविटी में आपकी, उनमें से कोई भी आप डैमेज कर सकते हो कैथेटर डालते हुए, ठीक है, अगर आपकी सही टेक्निक नहीं है, और कैथेटर ब्लॉक हो सकती है, कैथेटर में भी थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं, ये आपने याद करनी है। इसमें से आपने, इसके अलावा टेक्स्ट में से जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, मोस्टली टेबल में कवर हुई हुई है, कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस का डायग्नोसिस है। कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस का डायग्नोसिस ऐसे है कि नॉर्मल सेप्सिस का तो आपको पता लग जाएगा, ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ गए। कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस के लिए आप क्या करते हो, आप एक पेरिफेरल ब्लड से जो है वो कल्चर लेते हो, और एक कल्चर जो कैथेटर के अंदर ब्लड है ना उसमें से लेते हो। अगर कॉलोनी काउंट कैथेटर के अंदर ज्यादा हो और पेरिफेरल सर्कुलेशन में कम हो, इसका मतलब है कि जो सेप्सिस स्टार्ट हुआ है वो इन्फेक्शन कहाँ से आया, कैथेटर से है। उसकी एक कट ऑफ वैल्यू भी है, पता नहीं अभी आ ही ना जाए, 4 टाइम्स है शायद, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। 4 टाइम्स अगर इंक्रीज्ड है, फाइव टाइम्स और मोर, तो फिर जो है वो आप कह सकते हो कि कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस है। उसके अलावा क्या है, सेम ऑर्गेनिज्म कल्चर हो जो टिप ऑफ द कैथेटर से और पेरिफेरल ब्लड से, तो तब भी आपको होगा कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस। उसके अलावा मॉनिटरिंग हमने देख लिया कि अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो सही तरह तो आपको पता लग जाएगा कि सेप्सिस डेवलप हो रहा है या नहीं, फोर्टनाइटली वीकली और डेली आप टेस्टिंग करवा रहे हो तो ये आपको हो जाएगा। बाकी है कि इसमें एमसीक्यू पॉइंट ही है कि 5 डेज या इससे ज़्यादा अगर इनएडिक्वेट ओरल इनटेक है ना, तो आपने आपका जो पेशेंट है वो मेल न्यूट्रिशन के रिस्क पर है। 5 डेज और मोर इनएडिक्वेट ओरल इनटेक है, तो उसमें फिर आपने न्यूट्रिशन सपोर्ट देनी, चाहे आप एंट्रली दो चाहे पारेंटली दो वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहले आपने कहाँ से माइनस इशू करें, आपने डाइट एडवाइस देनी है पेशेंट को, किसी भी सर्जिकल जो कैंडिडेट है उसको आपने कहना है कि आप ये वाली चीज़ें खाओ, ये वाली ना खाओ, ये इतनी खाओ, ठीक है, ये डाइटरी एडवाइस हो गई। डाइटरी एडवाइस से नहीं काम चला, आप उसको सिप फीडिंग स्टार्ट करवा दो। सिप फीडिंग खास तौर पे उन पेशेंट में इंपॉर्टेंट है जिनको एनोरेक्सिया होता है, इनका खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता, तो उनमें इंपॉर्टेंट है, या फिर वो सॉलिड डाइट जो है उनके अंदर ही नहीं जा रही होती, फंस रही होती, वो नहीं कर सकते आप, एनजी ट्यूब डाल दो, नहीं एनजे ट्यूब डाल दो, नहीं गेस्ट्रोस्टमी जेजुनोस्टमी, नहीं अगर वो भी नहीं कर सकते आप तो फिर आप टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट करा दो बस। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने एडवाइस करना है, मॉनिटर भी करना है, ओवर फीड ना हो रहा हो ना ही डेफिशिएंसी हो रही हो, और मतलब कम भी ना दे रहे हो आप, ज़्यादा भी ना दे रहे हो, और मॉनिटरिंग करनी है आपने। मॉनिटरिंग उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस की भी होगी और उसके इन्फेक्शन की भी होगी, क्या आपके न्यूट्रिशन के रूट की वजह से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही उसको, सेप्सिस कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस तो नहीं हो रहा, गैस्ट्रोस्टमी जियोनोस्टमी की है तो जहाँ से बनाया हुआ आपने स्टोमा वहाँ पे कोई इन्फेक्शन का मसला तो नहीं हो रहा। एनी क्वेश्चंस या कोई और बात?